I'm sorry, Prabhakar. आइए बैठिए। अरे मैं तो बैठ जाऊंगा, मुझे बैठने से कौन रोक सकता है? लेकिन तेरी कुर्सी पे बहुत सा गोंद गिर गया जो कुर्सी के साथ चिपककर बैठा हुआ है। कोई आए तो खड़ा भी नहीं हो सकता। देखिए आप, बस ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। हाँ ये बताओ, अजय को कॉलेज से निकाला गया नहीं? अजय कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये कॉलेज तेरे बाप का है? प्लीज आप जबान संभाल। अब चुप, वरना खेत के जूते मारूंगा स्टूडेंट्स के सामने। अगर अजय को तुमने इस कॉलेज से नहीं निकाला तो इस कॉलेज से मैं तुझे यू निकाल दूंगा, यू समझे? और फिर इस कॉलेज की कमेटी भी तुझे नहीं बचा सकेगी, इसलिए कि इस कॉलेज को सबसे ज्यादा डोनेशन मैंने दी है, मैंने 10 लाख। मिस्टर ब्रजलाल तिवारी, ये चेकबुक मैं तुम्हारे मुंह पर भी मार सकता था, लेकिन कीचड़ में पत्थर मारना मुझे अच्छा नहीं लगता। इसमें 10 लाख रुपए का चेक तुम्हारे नाम का है, निकाल लो। कौन है आप? नागेश्वर। नागेश्वर? नागेश्वर तो बहुत है, कौन नागेश्वर? तुम्हारे बाप कितने हैं? जबान संभाल कर बात कीजिए। यही बात अभी अभी प्रिंसिपल साहब ने तुमसे कही थी और तुमने जवाब दिया था, अबे चुप, सारे स्टूडेंट्स के सामने जूता खींच कर मारूंगा। अब बताओ तुम्हारे कितने बाप हैं? एक। उसी तरह इस इलाके में सारे बदमाशों का एक ही बाप है, नागेश्वर। ओ, तो आप हैं नागेश्वर साहब। हुजूर, नाम तो बहुत सुना था लेकिन देखा नहीं था, इसलिए पहचान नहीं सका। मुझे माफ कर दीजिए साहब, मुझे माफ कर दीजिए। पाँव पकड़ने हैं तो गुरु के पकड़ो, जिनके साथ तुमने बदतमीजी की है। सर, सर मुझे माफ कर दीजिए। तिवारी जी, गलती इंसान से ही होती है। हुजूर, ये आप ले लीजिए, मुझे मेरे पैसे नहीं चाहिए, पर जो आप कहेंगे वही होगा। प्रिंसिपल साहब यही रहेंगे, इन्हें कोई नहीं हटा सकता। आप ये ले लीजिए। लेकिन तुम्हें इस कॉलेज की हद से बाहर निकालना बहुत जरूरी है। तुम वो तेजाब हो जो मिट्टी को भी जला देता है, उसे बांझ कर देता है, लेकिन मैं इस कॉलेज को बांझ नहीं होने दूंगा। दफा हो जाओ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस कॉलेज को मरने से बचा लिया। سبسکرایب کرتو سون چینل بیدی دو ات بیل آیکن سٹ آسا